अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ज्योग्राफी चैनल की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज हम जिस तहसील के बारे में आपको मालूमात देंगे वो है तलागंग। तलागंग पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ एक तहसील है। ये ज़िला चकवाल में वाक़ है और इसकी सरहद शुमाल में पोटोहार सतह मर्तफा, मशरक़ में सॉल्ट रेंज और मगरब में दरियाए सिंध से मिलती है। तलागंग का जोग्राफिया मैदानी और पहाड़ियों के मरकब से नुमाया है। ये तहसील सॉल्ट रेंज के दामन में वाक़ है जो मशरक़ की तरफ कुदरती हदूद फराहम करती है। ये इलाका पहाड़ी है और यह इलाका कई छोटी नदियों का घर भी है जो दरियाए सिंध में बहती हैं। तलागंग पोटोहार सतह मर्तफा के करीब होने की वजह से तस्वीराती तौर पर वाक़ है, जो कि पाकिस्तान का एक अहम ज़रई खत्ता है। ये तहसील सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सरहद के करीब भी वाक़ है, जो इसे दोनों सूबों के दरमियान तजारत के लिए एक अहम राहदारी का मकाम बनाती है। इसके अलावा तलागंग कई अहम बुनियादी ढांचे के मनसूबों का घर है, जिनमें तलागंग डैम और तलागंग हरिपुर रोड शामिल हैं। ये डैम आसपास के ज़रई इलाकों को आबपाशी का पानी फराहम करता है, जबकि सड़क तहसील को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। मजमूई तौर पर तलागंग का स्ट्रैटेजिक मोहल्ले वकू और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर इसे पाकिस्तान के सूबा पंजाब की एक अहम तहसील बनाता है। तलागंग तकरीबन 2092 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और इसकी मजमूई आबादी 3 लाख से ज़्यादा है। तलागंग में आबो हवा आमतौर पर गर्म और खुश्क होती है। गर्मियों के महीने में दर्जा हरारत 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सर्दियों के महीने में 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। खित्ते में कम से दरमियानी बारिश होती है। ज़्यादातर बारिश मानसून के मौसम में जुलाई से सितंबर तक होती है। बुनियादी ढांचे के लिहाज से तलागंग की कई अहम ट्रांसपोर्ट जवाबत हैं, जिनमें तलागंग हरिपुर रोड और तलागंग धरनाल रोड शामिल हैं। इस तहसील में कई स्कूल और कॉलेज भी हैं, जिनमें गवर्नमेंट कॉलेज तलागंग और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल तलागंग शामिल हैं। मजीद बरा ये इलाका अपनी ज़रात के लिए जाना जाता है। इस इलाके में गंदम, गन्ना और कपास जैसी फसलें काश्त की जाती हैं। तलागंग डैम इन फसलों के लिए आबपाशी के पानी का एक अहम जरिया है, जो तहसील की मुआशी तरक्की में मावन है। मजमूई तौर पर गर्म और खुश्क आबो हवा के बावजूद तलागंग में नस्बतन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये इलाके में नकलो हमल और ज़रात का एक अहम मरकज है। तलागंग की एक भरपूर और मुतनावे तारीख है, जो कई हज़ार साल पर मुहित है। ये खित्ता मुख्तलिफ सकाफतों और लोगों से आबाद रहा है, जिनमें वादी सिंध की तहजीब, मोरी सल्तनत, मुग़ल सल्तनत और बरतानवी नौबादियाती इंतज़ामिया शामिल हैं। मोरी सल्तनत के दौरान तलागंग बुद्ध मत की तालीम और सकाफत का एक अहम मरकज था। ज़ायरीन ने 7वीं सदी ईस्वी में इस इलाके का दौरा किया और बुद्ध खानकाहों और यूनिवर्सिटियों के बारे में बताया, जो इस वक्त मौजूद थीं। मुग़ल दौर में तलागंग काबिल के सूबे का हिस्सा था और बरसगीर पाको हिंद और वस्ती एशिया के दरमियान तजारत का एक अहम मरकज था। मुग़ल शहनशाह अकबर ने 16वीं सदी में इस इलाके का दौरा किया और तलागंग किला समेत मुतअद्दिद इमारतें और यादगारें तामीर कीं। 19वीं सदी में बरतानवी नौबादियाती इंतज़ामिया ने तलागंग का कंट्रोल संभाल लिया और इलाके में सिविल इंतज़ामिया कायम की। अंग्रेज़ों ने कई सड़कें और बुनियादी ढांचे के मंसूबे बनाए, जिनमें तलागंग धरनाल सड़क और तलागंग डैम शामिल हैं। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद तलागंग पाकिस्तान की तश्कील शुदा रियासत का हिस्सा बन गया। तब से इस इलाके में तालीम, सेहत की देखभाल और बुनियादी ढांचे में बेहतरी के साथ नुमाया तरक्की और जदीदकारी हुई है। मजमूई तौर पर तलागंग की तारीख सदियों के दौरान खित्ते की सकाफती, इक्तसादी और सियासी अहमियत का सबूत है। आज तलागंग पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ज़रात और तजारत का एक अहम मरकज बनी हुई है। तलागंग तस्वीराती तौर पर वाक़ है और पाकिस्तान के कई अहम शहरों के साथ मजबूत नकलो हमल के रवाबित रखता है। ये तहसील तलागंग हरिपुर रोड के ज़रिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जुड़ी हुई है, जो दोनों शहरों के दरमियान एक अहम ट्रांसपोर्ट लिंक फराहम करती है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक शहर है, जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और मरकज़ के तौर पर काम करता है
और तलागंग से इसकी कुर्बत तहसील के लिए मुआशी और सियासी फवायद रखती है। मजीद बरा तलागंग ग्रैंड ट्रंक रोड के जरिए लाहौर शहर से मुंसलिक है, जो सूबा पंजाब के शहरों के दरमियान एक अहम ट्रांसपोर्ट लिंक है। लाहौर पंजाब का सकाफती और इक्तसादी मरकज है और ग्रैंड ट्रंक रोड तलागंग को शहर के बाजारों और सनतों तक रसाई फराहम करता है। इसके अलावा तलागंग पेशावर शहर के करीब वाक़ है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत का एक अहम मरकज है। तलागंग धरनाल सड़क दोनों शहरों के दरमियान बराह रास्त रबता फराहम करती है, जिससे दोनों खित्तों के दरमियान सामान और खिदमात की नकलो हमल की इजाज़त मिलती है। मजीद ये कि तहसील इंडस हाईवे के जरिए कराची से भी मुंसलिक है, जो तलागंग से गुजरती है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और तजारत और सनत का अहम मरकज है। इंडस हाईवे कराची और तलागंग के दरमियान बराह रास्त रबता फराहम करती है, जो दोनों खित्तों के दरमियान तजारत को आसान बनाती है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की कई अहम शहरों के साथ तलागंग के मजबूत नकलो हमल के रवाबित तहसील के लिए अहम इक्तसादी, सियासी और तस्वीराती फवायद हैं। ये रवाबित सामान और खिदमात की नकलो हमल में सहूलत फराहम करते हैं, तजारत को फरोग देते हैं और मुल्क में अहम मंडियों और सनतों तक रसाई फराहम करते हैं। तलागंग की एक भरपूर और मुतनाव्य सकाफत है, जो अपने लोगों की रिवायात और रस्म रिवाज की अकासी करती है, जो बुनियादी तौर पर पंजाबी हैं। तलागंग की सकाफत खित्ते की तारीख से बहुत ज़्यादा मुतासिर है और ये मुख्तलिफ सकाफती अनासिर का एक अनोखा इम्तिजाज है, बशमूल मोरी सल्तनत, मुगलिया सल्तनत और बरतानवी नौबादियाती इंतजामिया। तलागंग की सकाफत के सबसे नुमाया पहलुओं में से एक इसकी रिवायती पंजाबी मौसीकी है, जिसकी खसूसियत मकामी आलात जैसे कि ढोल, बांसुरी और हारमोनियम के इस्तेमाल से है। लोकगीत और रक्स मकामी सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है, जिनमें भंगड़ा और गदा समेत मकबूल रक्स शामिल हैं। तलागंग के लोग अपनी रिवायती खानों के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें नान, दाल चावल और अचार जैसे मुख्तलिफ किस्म के पकवान शामिल हैं। मकामी खसूसियात में मुर्ग छोले शामिल हैं, जो एक मसालेदार चिकन और चने की डिश है, और सोन हलवा भी शामिल है, जो सूजी, चीनी और घी से बनता है। मजहबी त्यौहार भी तलागंग की सकाफत का एक अहम हिस्सा हैं। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और मुहर्रम के साथ कुछ बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले वाक़ियात हैं। हजरत पी सैयद गुलाम हैदर अली शाह का अर्स तलागंग में एक अहम सालाना तकरीब है, जिसमें पाकिस्तान भर से हज़ारों लोग शिरकत करते हैं। तलागंग के लोग अपनी मेहमान नवाजी और सकाफत के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ आने वालों और मेहमानों के साथ बहुत इज्जत व एहतराम से पेश आते हैं। रिवायती समाजी ढांचे जैसे तौसी शुदा ख़ानदान और कबीला का निज़ाम मकामी सकाफत में अहम किरदार अदा करता रहता है। मजमूई तौर पर तलागंग की सकाफत मुख्तलिफ सकाफती अनासर का एक मुनफरद और मुतहरिक इम्तिजाज है, जो इस इलाके की तारीख और रिवायात की अकासी करती है। तलागंग के लोग अपने मकामी रस्म व रिवाज और रिवायात पर फख्र करते हैं और इन्हें मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों और तकरीबात के जरिए महफूज और मनाते रहते हैं। तलागंग ने कई काबिल जिक्र अफराद पैदा किए हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। तलागंग के कुछ मशहूर लोगों में शामिल हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पाकिस्तान के एटमी बम के बाप के तौर पर भी जाने जाते हैं। वो तलागंग के करीब एक छोटे से गांव भोपाल में पैदा हुए। डॉक्टर खान एक मशहूर एटमी साइंसदान और इंजीनियर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में कलीदी किरदार अदा किया है। पी सैयद गुलाम हैदर अली शाह वो एक मशहूर सूफी बुजुर्ग और मजहबी रहनुमा थे, जिन्होंने पाकिस्तान में हाफिज़ा सिलसिला की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में बहुत से लोग इनकी इज्जत करते हैं और इन्हें अमन, मोहब्बत और हम आहंगी की तालीमात के लिए जाना जाता है। मौलाना अब्दुल हक वो एक मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, मजहबी रहनुमा और सियासी कारकुन थे, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। मौलाना अब्दुल हक पाकिस्तान के दस्तूर साज असम्बली के रुकन भी रहे और मुल्क के आइन के मसूदे में अपना हिस्सा डाला। अख्तर नवाज खान वो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने 1981 से 1983 तक चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमात अंजाम दी। अख्तर नवाज खान अपनी दयानतदारी और गैर जानबदारी के लिए जाने जाते थे और पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम की तरक्की में
उनकी खिदमत को बड़े पैमाने पर तस्लीम किया जाता है। गुलाम अब्बास वो उर्दू के मारूफ अदीब और सहाफ़ी थे जो उर्दू अदब में अपनी खिदमत के लिए जाने जाते हैं। गुलाम अब्बास ने कई नावल और मुख्तसर कहानियाँ लिखीं जो बेहद सराही गईं और कारीन में मकबूल हैं। इन अफराद ने अपने अपने शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं और तलाकंग को पहचान और इज्जत बख्शी है। इनकी कामयाबियाँ तलाकंग के लोगों के लिए एक तहरीक का काम करती हैं और पूरे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र हैं। तलाकंग और इसके आसपास के इलाकों में सियाहों के लिए बहुत सी पुरकशिश मकामात हैं जो देखने के काबिल हैं। तलाकंग और इसके आसपास के कुछ मशहूर सियाहती मकामात में शामिल हैं कटास राज मंदिर। तलाकंग से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये कदीम मंदिर का कॉम्प्लेक्स 6वीं सदी ईस्वी का है और इसे पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे अहम ज्यारतगाहों में से एक समझा जाता है। तला जोगिया तलाकंग से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये सॉल्ट रेंज में एक नुमाया पहाड़ी है जो अपने खूबसूरत मनाजिर और तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है। ये पहाड़ी कई कदीम बुद्ध मकामात और मंदिरों का घर है। खेड़ा नमक की कान तलाकंग से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। ज़ायरीन ज़ेर ज़मीन सुरंगों को तलाश कर सकते हैं और नमक की तश्कीलात और मुजस्मे देख सकते हैं। कलर कहार झील तलाकंग से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये खूबसूरत झील पिकनिक का एक मशहूर मकाम है और आसपास के पहाड़ों के दिलकश नज़ारे पेश करती है। कितास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तलाकंग से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये जंगली हयात की पनागाह कई नायाब और ख़तरे से दो चार प्रजातियों जैसे कि पंजाब ओरियल और बार्किंग डियर का घर है। ज़ायरीन हिदायत याफ्ता जंगली हयात के दौरों पर जा सकते हैं और पनागाह की कुदरती खूबसूरती को तलाश कर सकते हैं। चश्मा बिराज तलाकंग से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये बिराज माहीगिरी कश्तीरानी और पिकनिक मनाने का एक मशहूर मकाम है। बिराज दरियाए जहलम और आसपास की पहाड़ियों की शानदार नज़ारे पेश करता है। ये तलाकंग में और इसके आसपास के बहुत से सियाहती मकामात में से कुछ हैं जो खित्ते की भरपूर तारीख सकाफत और कुदरती खूबसूरती की एक झलक पेश करते हैं। ये थी तलाकंग तहसील से मुतालिक मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोज़ की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।